सत श्री अकाल जी, मैं हरकिरत सिंह बल। गुड मॉर्निंग NRI वेख रहे सारे ही दर्शकों का तय दिलों स्वागत करते हैं। आस करते हैं, उम्मीद करते हैं सारे ही चढ़दी कला विच होवोंगे। अज जिवें कि नगर निगम ते नगर कौंसल दीआं जे नगर पंचायतां दीआं जिहड़ियां चोणां है उन्हां दा नतीजा सामने आ गया है। जिवें कि पिछले कई दिनों दे विच पंजाब दा जिहड़ा माहौल सी उह राजनीतिक तौर ते गरमाया होया सी, जिहड़ियां हिंसक घटनावां उह वी होईआं सन। इस तों इलावा जिहड़ी 14 तरीक नूं वोट होई सी, उस तों बाद अज 17 तरीक नूं जिहड़े नतीजे घोषित कीते जाणे सन, उह नतीजे अज जिहड़े घोषित हो चुके ने। ते नतीजे घोषित होने बाद जिहड़ा रिजल्ट आ उह साडे सामणे आ। रिजल्ट दे असीं जिहड़ी गल्लबात करांगे, जिवें कि सारे नूं पता ही आ कि नगर निगम ते नगर कौंसल दी जिहड़ी उहदे विच क्लीन स्वीप आ जिहड़ी कांग्रेस पार्टी जिहड़ी कर चुकी आ। भावें कि कई थावां ते आज़ाद उम्मीदवार आ जिहड़े उह वी वेखण नूं मिलिया, आज़ाद उम्मीदवारां ते वी जिहड़ा लोकां ने अपना विश्वास जताया ते आज़ाद उम्मीदवारां नूं वी जिहड़ा जताया। गल करदा नगर निगम दी, जेकर नगर निगम दी गल करिए तां नगर निगम भावें 8 नगर निगमां दीआं वोटां पंजाब दे विच होईआं सन, जिहदे विच 7 नगर निगमां दा जिहड़ा नतीजा आ चुक्किआ। 6 दे उप्पर जे देखिआ जावे तां कांग्रेस दी जिहड़ी क्लीन स्वीप है। एक नगर निगम जिहदे विच मोगे दी गल करिए, मोगे दे विच भावें कांग्रेस नूं उम्मीदवार जिहड़े उत्थे 20 जित्ते आ, अकाली दल दे 15, BJP का 1 ते आज़ाद जिहड़े उम्मीदवार आ इह 14। जेकर इस तों इलावा गल की जाए अबोहर दे विच बहुत ज़्यादा भारी बहुमत दे नाल नगर निगम की जिहड़ी जित कांग्रेस की हुई है। 50 दे विचों जिहड़ा 49 जिहड़े उम्मीदवार कांग्रेस दे जित्ते ने, ते 1 अकाली दल दा। हुशियारपुर दे विच भी ज़्यादा गिणती जिहड़ी कांग्रेस नूं प्राप्त हुई है, 41 जिहड़े उह ने हुशियारपुर दे विचों कांग्रेस दे उम्मीदवार, ते BJP दे 4 ते आज़ाद जिहड़े 5 आ। इस तों इलावा कपूरथला, बटाला, बठिंडा, गुरदासपुर की गल करिए तां इन्हां विचों 6 दे विचों जिहड़ी ज़्यादा नगर निगमां ते जिहड़ी क्लीन स्वीप आ कांग्रेस नूं जिहड़ी आ उह मिली आ। गुरदासपुर दे विच 29 दे 29 जिहड़ी सीटां उह कांग्रेस इस वेले जित जिहड़ी आ उहनूं प्राप्त हुई है। जेकर गल कीती जावे मोहाली नगर निगम दी, मोहाली दे विच जिहड़े वार्ड 2-1 वार्ड 10 नंबर वार्ड दे विच 2 बूथां ते जिहड़ियां वोटां अज पईआं ने। दिलचस्प मुकाबला होवे जिहड़ा कल नूं नतीजा होवेगा, वेखण योग होवेगा। कल नूं जिहड़ा नतीजा मोहाली दा, इक नगर निगम दा जिहड़ा नतीजा रह गया उह बड़ा ही दिलचस्प होवेगा, वेखण योग होवेगा कि कल नूं जिहड़ा आज़ाद ग्रुप जितदा जां कांग्रेस दा जिहड़ा बहुमत प्राप्त होंदा अकाली दल जां BJP नूं किन्नियां वोटां, जां जिहड़ा आम आदमी पार्टी नूं किन्नियां वोटां मिलदियां। भावें कि आम आदमी पार्टी ते जिहड़ा आज़ाद ग्रुप आ सांझे तौर पर वह इलैक्शन नगर निगम की मोहाली दी लड़ रहा है। इन सारिया जेकर देखा जाए तो नगर कौंसल दे विच ज़्यादातर जिहड़ा बहुमत है नगर कौंसल ते नगर पंचायत दे विच भी कांग्रेस नूं जिहड़ी आ उह जित वड्डी संख्या दे विच जिहड़ी क्लीन स्वीप आ उह होई आ। असीं गल्लबात करांगे जिहड़े समीकरण ने, जिहड़े नतीजे साढ़े सामने आए हैं, इन्हां ते गल्लबात असीं करांगे बलविंदर जम्मू जी नाल। जम्मू जी साढ़े नाल संपर्क विच जल्द ही कॉल ते आउणगे, असीं उहनां दे नाल गल्लबात करांगे। इस तों इलावा जे इस वेले जम्मू जी साढ़े नाल जुड़ चुके ने, बलविंदर जम्मू जी सत श्री अकाल जी, तुहाडा स्वागत है जी। हैलो हैलो जम्मू जी साढ़े नाल जुड़ रहे हैं, कोई तकनीकी समस्या लग रही है इस वेले। तुहानू असीं जानकारी दे रहे हैं कि नगर निगम, नगर कौंसल ते नगर पंचायतों के जिहड़ी ज़्यादा बहुमत है दे नाल ज़्यादा जिहड़ी क्लीन स्वीप है कांग्रेस इस वेले जित चुकी है। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 49 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 41 ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ, 4 BJP ਦੀਆਂ ਅਤੇ 5 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਜੇਕਰ ਮੋਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਿਲਚਸਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, 7 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨਤੀਜੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੋਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 20 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 15, BJP ਨੂੰ 1 ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 14 ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 43 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, 3 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਤੇ BJP ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੰਮੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਜੰਮੂ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੰਮੂ ਜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ
कॉल ते जुड़नगे ते जिहड़े समीकरण है उन्हां दी जिहड़ी समीख्या उह करनगे। गल कर रहे सी असीं मोगे दी, मोगे दा जिहड़ा नगर निगम दा जिहड़ा दिलचस्प नतीजा रहा क्योंकि उत्थे कांग्रेस नूं 20 सीटां मिलियां, अकाली दल नूं 15, बीजेपी नूं 1 ते आजाद उम्मीदवार। दिलचस्प इस करके भी कि नगर निगम दे विच सब तों वड्डी गिणती दे विच 14 आजाद उम्मीदवार जिहड़े आ उह मोगे दे विच जीते ने। कपूरथले दे जां जे 50 सीटां दी गल करिए तां उहदे विचों कांग्रेस नूं 43 सीटां आईआं ने, अकाली दल नूं 3, इस तों इलावा आजाद उम्मीदवार जिहड़े 2 ने उह कपूरथले तों जीते ने। इस तों इलावा जे गल करिए बटाले दी, बटाले दीआं 35 सीटां दे विचों 23 सीटां कांग्रेस दे हत्थ आईआं ने, 2 अकाली दल नूं, 2 बीजेपी नूं ते 1 आजाद उम्मीदवार जिहड़ा जित्तिआ। बठिंडे दी गल करदे आं, बठिंडे दे विच 43 सीटां कांग्रेस पार्टी नूं आईआं, अकाली दल नूं 7, इस तों इलावा आम आदमी पार्टी ते बीजेपी है जिहड़ा खाता नहीं खोल सकी। इस तों इलावा गुरदासपुर दे विच जिहड़ी बहुत वड्डी जित प्राप्त कीती आ कांग्रेस ने, 29 दे विचों 29 ही सीटां जिहड़ियां कांग्रेस इस वेले लेके गई आ, क्लीन स्वीप आ जिहड़ा उस वेखण नूं मिलिआ। इस तों इलावा जे गल करिए तां नगर कौंसल दे विच इक वेखण नूं आया भावें कि जिहड़े बागी उम्मीदवार सन उहनां दे विचों। हैलो हैलो, हाँ जी जम्मू जी स्वागत है जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जम्मू जी, जिवें गल कर रहे सी क्लीन स्वीप जे देखा जावे नगर निगम दी, जे पहलां गल करिए 6 दे विच तां पूरी तरह कांग्रेस क्लीन स्वीप कर चुकी आ, ते इक जिहड़ी गल कर रहे सी मोगे दी जिहड़ी नगर निगम आ उत्थे दा मुकाबला दिलचस्प रिहा, ते कल नूं मोहाली दा जिहड़ा मोहाली दा उह कल नूं नतीजा आवेगा, किवें वेखदे हो जी? ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੋਗੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਣੇਗੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਬੋਡੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣੇਗੀ, ਤੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਗੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਕੱਲ ਨਤੀਜਾ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਇਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 36 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 58 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਆਪ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 1815 ਟੋਟਲ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਆਪ ਨੂੰ 57 ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਚੋਂ 9 ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਚੋਂ 298 ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਚੋਂ 33 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਧਿਰ ਉਭਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਆਪ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੇ ਬੜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ, ਬੇਸ਼ੁਰ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਯੋਗਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ 13 ਸੀਟਾਂ ਚੋਂ 12 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ CPI ਦੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਮਜੀਠਾ ਹਲਕਾ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀਟਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੈ ਗਈ ਜੀ, 2 ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ 1 ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਮਜੀਠਾ ਨਗਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਪਾਏ ਦੀ ਨੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਤਾਬਕਤਾਨ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ
काफी वड्डी गिनती दे विच आए हैं ते साडा इस वेले जिहड़ा अगलियां जिहड़ियां विधानसभा चोणां हो रहीयां उहनीयां उहदे विच लोकां ने दस दित्ता वी लोक की सोचदे आ लोक किधर नूं जाणगे ये एक गल स्पष्ट हो गई है। तो जिहड़े साडे उपर मतलब कई तरह के लाउंदे सी वी कांग्रेस ने आ कीता मतलब जिहड़ी हकीकत है जमीनी हकीकत यह कांग्रेस पार्टी के हक दे विच है जी। पर दूजिया चोणा होने के बल साहब अजे टाइम रहा है उस समय तक की ऊट किस करवट बैठेगा वो अजे समा पिया फिर किसानी अंदोलन किधर न जाएगा की बनेगा वह भी एक मामला हैगा। इस करके इन चोणा के एक जी भीड़ है एक मोहरी धिर जी कांग्रेस पार्टी बन के आई है पर जिड़िया पिछलिया चोणा के अकाली दल भी काफी अगे सगा अकाली दल की भी सरकार बनी अकाली दल बीजेपी ने अपने ये बनाईया उन्होंने कब्जा सगा पर जो चोणा जिहड़ियां विधानसभा दी आईयां उदों स्थिति खराब हो गई सी पर मैं लग रहा नहीं गा कि कांग्रेस जदों जो चोणा होणगीआं उहनूं इन्हां चोणां दा काफी फायदा मिलण दे आसार है जे किसान अंदोलन का की बनता वो भी एक अहम फैक्टर जिहड़ा उदों रहेगा। पर एक गल जरूर है भी बीजेपी का आधार जिहड़ा उहनूं बहुत वड्डे पद्धर ते खोरा लगा वो लगातार उन्हों का आधार डिगया उहदे विच इह वी होया है मतलब भी लोग जिहड़े है जिहड़े उम्मीदवार सीगे वो बीजेपी दीआं टिकटां ते नहीं सी लड़ना चाहुंदे ते कईआं ने टिकटां ते नहीं भी लड़े आजाद लड़े है ये अजे टाइम लग जाएगा भी किन्ना क वो आजाद जिहड़े है जिहड़े बीजेपी दे बैत वाले वो किन्ने क जिते है ये एक देखण वाला होएगा। इस चोण दे विच जिहड़ी कांग्रेस पार्टी है वो लीड लै गई है मोहरी आई है ते इहदा असर जिहड़ा आने वाली जिहड़ियां विधानसभा चोणा उन्हां तक मैनूं लगदा भी कायम रहेगा ते शहरां दे विच जिहड़ा इहने आधार अपना वधाया भावें कि शहरां दे विच जिहड़ा एक साल दे विच इहनां इस साल दे विच कामकाज करने सीगे पर उह करोना काल करके करोना मंदी महामारी करके शहरां दे विच कोई विशेष काम जिहड़े आ उह बहुते नहीं हो सके पर इस दे बावजूद लोकां दा जिहड़ा उह कांग्रेस प्रति जिहड़ा उह कांग्रेस वल्लों गए इसदा इंडीकेशन जिहड़ा मैनूं लगदा है कि अगलियां विधानसभा से भी इन्हों का असर पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को शहर के भी अपने पैर जिहड़े होर मजबूत करने का मौका मिले। जम्मू जी जिवें कहा जाता है कि बीजेपी शहर की पार्टी है तो यह भी कहा जाता है शहर के किसान अंदोलन का जिहड़ा असर है वह ज्यादा इन्ना वेखण नहीं मिलता इन्होंने नतीजे के बाद की कहना चाहोगे जी? बिल्कुल इन्होंने नतीजे ने असर पाया बहुत सारे थावों के उपर जिहड़े कस्बा नवा शहर ने कस्बे शहर भी असर पिया मैं लगता कि बीजेपी जरा इस किस्म का वहम होया भी असि इकले तौर पर अपनी सरकार बनावे वो मेरा ख्याल हवा हो गया पॉसिबिलिटी नहीं रह गई। बीजेपी के आगुओं वालों बयान आए थे 2022 बीजेपी सारिया सीटा से जित प्राप्त करेगी जी वो तो है जिन देखो बल साहब एक गल बड़ी सानू ध्यान च रखनी चाहिए है ये मतलब जिन्हें भी उम्मीदवार से जिन्हें मतलब 10,000 तो उपर से जो भी सी गिनती जिन्ना चिर नतीजा नहीं आ जाता वो सारे जीते थे जो नतीजा आ गया सब के सामने गल स्पष्ट हो गई भी कौन किधर हैगा इस करके नतीजा आने तक जी है वो दावे कर सकते हैं वो कह सकते भी 117 जितेंगे 115 जितेंगे जिवें पिछलिया चोणों के आम आदमी पार्टी कहती थी 117 चो अभी 110 जितेंगे पर नतीजा जो आया वो की सो इस करके जिन्ना चिर चोणा नहीं होंदिया चोणा तो पहला हरेक धिर आजादा भी हरेक हक हों वो कह सकते मैं 101% जितूंगा तो असं उस दावे खारज नहीं कर सकते भी नहीं जितेगा वो ठीक है हकीकत भावें पता भी होंगे ठीक है उन्होंने हक है बयानबाजी कर बयानबाजी कोई भी कर सकता है पर जी ग्राउंड रियलिटी है जमीनी हकीकत जी पंजाब हरियाणा के भी काफी बदल चुकी है जो इन्हों हमायत पहला किसान अंदोलन तो पहला सी वो नहीं रह गई बड़े सारे आगू भी चाहते थे कई ठीक है बीजेपी वालों जावे सगों बीजेपी के आगू जे छड़ के होर पार्टियों के गए काफी अकाली दल के भी गए होर पार्टियों के भी गए है इस करके स्थिति वो नहीं रह गई जी पहला सी इन्हों की इस करके बीजेपी को सोचना चाहिए बीजेपी हम मीटिंगा कर लगी है इन्हों के कौमी आगुआ ने एक दिन पहला ही मीटिंगा कीतिया पंजाब हरियाणा जोड़े आ और सूबिया चार सूबिया के जोड़े आगुआ किस किस्म की सिचुएशन बन गई है ये चो कि निकलना JP नड्डा जोड़े इन्हों के कौमी प्रधान आ उन्होंने इन्ह जो डिवेलपमेंट हो जिड़िया
चीजा बदलिया जिहड़ियां परिस्थितियां बदलिया उन्हां दा जायजा लिया। इस करके जायजा लेना पै रहा ना किसान अंदोलन करके। हुण किसान अंदोलन नाल इन्हां दी जिन्ना चिर किसान अंदोलन चलता रहेगा मैनू लगता जिहड़े तीन चार सूबे है उत्थे बीजेपी नूं कोई जिहड़ा है उह ठीक रस्ता मिले। इस करके सारा कुछ जिहड़ा किसान अंदोलन ते उपर निर्भर करेगा। अगलियां चोणां दा वी की बनदा उह वी किसान अंदोलन दे उपर निर्भर करेगा। जम्मू जी इक गल जिहड़ी दिलचस्प इह रही है कि भावें कि कुछ जिहड़े बागी सी उह चाहे कांग्रेस होवे जां होर पार्टी तों बागी जिहड़े आजाद खड़े सी, एक जे देखा जाए आजाद जिहड़ी जितण दी जिहड़ी गिणती आजादां दी उह पिछले नतीजे नालों कुछ ज़्यादा वेखण नूं मिली है। जे गल करिए श्री आनंदपुर साहब दी तां 13 दीआं 13 सीटां विच पूरे आजाद 13 ही जिते ने। आनंदपुर साहब तों कीरतपुर साहब तों भी 10 आजाद जिते ने। अलवालपुर तों भी जिहड़े 10 उम्मीदवार आजाद जिते ने। की कहना चाहोगे जी आजाद उम्मीदवारां दी स्थिति दी? देखो इह जिहड़े दोनों तिन्ने थावां दे नतीजे ने इह हैरानकुन ने जी। जे बाकी थावां दे उपर हाकम धिर दी पकड़ बनी है इत्थे क्यों नहीं बनी? ये एक वखरा केस हैगा जिहदे बारे स्टडी करन दी लोड़ हैगी है। मतलब उत्तों जिहड़े है आनंदपुर साहिब तों पंजाब विधानसभा दे जिहड़े स्पीकर ने एपी राणा जी दा हलका जी, उहनां दे हलके च क्यों इह प्रॉब्लम आई, की कारण की है, ये उहनां नूं वी सोचण दी लोड़ है। कांग्रेस पार्टी नूं लोड़ हैगी जिहड़ियां लोक शिकायतां करदे ने कांग्रेस पार्टी को उन्होंने वाल ध्यान देना चाहिए। जो मामले जेड़े रेता बजरी नाल संबंधित ने उन्होंने बारे भी सोचना चाहिए भी कितने वो प्रॉब्लम किन्नी क उत्थे हैगी है, क्योंकि इस इलाके दीआं लगातार रिपोर्टा छपदिया रही। एक बार एक पुल हैगा जिहड़ा अपना रोपड़ तो अगे जाइए आनंदपुर साहब न, उस पुल के उपर जे असी गए थे साल डेढ़ साल पहले जो मैं पंजाबी ट्रिब्यून च होता से उस समय असं उधर गए थे तो उतों के जेडे उ ड्यूटी दे रहे थे बंदे उन्होंने पूछा सड़क हमले की हाल की है तो सरकार बदलना की फर्क पिया रेता भी जोड़ा रेत माफिया का, वह कहते जी पुल बच गया। असं क्या पुल बच गया की होया की है? कहते जी जे एन पहला पुल में जे वो रेंदे तो यह पुल भी नहीं सी रहना, हुण जिहड़ी इह रेता उवें ही निकलदी है। इस पुल तो अद्धा किलोमीटर एक किलोमीटर पिछे हट गया है, बाकी सारा काम उवें ही चलता है। इस करके मैं लगता है इहो जिहे कुछ इशू जिहड़े है इस पासे वल हैगे है जिहड़े जिहड़े अपने स्पीकर साहब ने उहनां लई ते जिहड़े होर इस इलाके च पैंदे इहनां दे लीडर उहनां नूं इस बारे सोचण दी लोड़ है वी इह क्यों होया। मतलब बाकी पंजाब दे विच होर तरह के नतीजे ने, इतने क्यों वक्रे नतीजे ने, आजाद क्यों दिते ने? इसका मतलब कांग्रेस पार्टी तो कोई ना कोई नाराजगी जरूर होगी, जो दूजिया पार्टियां तो भी क्यों नहीं दिते, उन्हां तो भी नाराजगी है। बीजेपी जो उतों मंत्री रहे ने उतों बीजेपी एक बारी कांग्रेस जीती रही एक बारी बीजेपी जीती रही है, ये क्यों वापर भी बीजेपी का भी कोई नहीं जितया, आजाद ही सारे जितया जा की ये जे दोनों थावान ने तिने थावान इन्हों बारे वक्रे तौर पर लोड है। मतलब आजाद उम्मीदवार का जितना की बाई दी वोटां लई कोई संकेत नहीं दे रहा तीजे फ्रंट का? देखो तीजे फ्रंट का इस तरीके नाल नहीं कोई संकेत बड़ा मिलता है, क्योंकि आप तीजे फ्रंट भी हैगी है जी, पर आप भी तीजे फ्रंट की तरफ आप दी जिनी उम्मीद सी पर नतीजे उससे उल्टा है जी। आहो यही तो गल है ना, तीजे फ्रंट की दावेदार तो इस वे आम आदमी पार्टी बनती है ना जी, एक ढींचे उन्होंने डेमोक्रेट अकाली दल उन्हें चोणा लड़िया नहीं गया, इस करके आप जरा तीजा फ्रंट था वो इन्हों चोणा के कोई बाली उस किस्म की गल जी सामने नहीं आई जी। वीकनेस है कमजोरिया ने बहुत सारिया, उन्होंने बारे आप भी समझने तैयार नहीं। एक बार उन्होंने मेरे न गल कर हुई सी भी असं इन्ने फोन रोज करते हैं, मैं क्या फोन तो तुम जिन्हें मर्जी करी जाओ 50,000 या 40,000 नतीजा की है, मैं क्या तुम सारे समय के एक अंदोलन जोड़ा ना वो किया है। मतलब वो भी पंजाब भवन के उन्होंने वधिया बिजली दर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, मैं क्या ये तो बिना तुम दसो भी कि लड़ाई लड़ी है जी। जे तुम पंजाब के अंदोलन नहीं करोगे जड़िया गलत गल् हो रही जड़िया प्रशासन के नुक्स ने जी भ्रिष्टाचार है जिहड़ा धक्का है रेत माफिया पुराना माफिया शराब माफिया इन्होंने खिलाफ बिना लड़ाई तो ताकि पार्टी जी अगे नहीं आ सकती। सवाल चके जाते हैं लोगों वालों की आम आदमी पार्टी विरोधी धिर की भूमिका बाखूबी नहीं निभा रही, वो
ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਇਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 65% ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ 22 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਨਤੀਜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਆਜ਼ਾਦਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣਾ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈਗੇ, ਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਿੱਤੇ, ਇਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਧਣਗੇ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਅਗੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ, ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਿਕਲੋ, ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰ ਆ ਉਹਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 2022 ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜੰਮੂ ਜੀ ਜੁੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਵੇਗਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।